الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। जागना है जाग जा अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। हजरत मोहतरम, इबादत दो तरह की होती है। एक इबादत होती है माली और एक इबादत होती है बदनी। वो इबादत जो माल के जरिए की जाती है, वो इबादत जो बदन के जरिए की जाती है। तो इबादत की तकसीम होती है दो चीजों की, एक इबादत माली होती है और एक इबादत बदनी होती है। और इबादत माली हो ख्वाह इबादत बदनी हो, दोनों का एहसान सवाब किया जाता है। दोनों का एहसान सवाब किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में माल खर्च हो रहा है। क्या खर्च हो रहा है? माल। इस माल के खर्च करने के इवज में इसका सवाब पहुंचाया जाता है इस मरहूम बच्चे, इसलिए उसे जाएगा जैसे। तो इबादत माली का भी सवाब होता है और इबादत बदनी का भी सवाब होता है। और इस सवाब किसी के नाम से बख्श नहीं दिया जाता। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म जहन्नुम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उस बच्चे के लिए जरिए निजात बनाए। और इबादत बदनी में नियाबत नहीं होती, उसमें नाइब नहीं बनाया जाता। नाइब बनाने का मतलब यह है कि भाई जरा जाओ मेरे हिस्से की तुम नमाज पढ़ लो, ए जा तो भैया तेरे हमरा पढ़ जा। मस्ती मजाक में कोई चहल है? मस्ती मजाक में कोई कुछ बोल जाए कि एक बंदा जुमे के दिन है और हर जुमा को जा रहा था, लेकिन एक दिन उस आ गया उसके दिल में ना आज मगरिब की पढ़ के आ जाए। शान से नहाया धोया पहना कपड़ा टोपी घर से लगा लिया, इत्तेफाक से मस्जिद पहुंच के नहीं लगाया, घर से लगा के निकल गया है। जात है, मजाक उड़ाने वालों की बात कर रहा हूं। कहते भी नहीं, कहते हैं मैंने खुद सुना है जात है। तभी जात ही नमाज पढ़े, आज पता नहीं कहां मनसा आई गई। अरे हमारा हिस्सा पढ़ जाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसमें हिस्सा उस्सा नहीं चलता, ये शरीयत है, रब का हुक्म है। नमाज पढ़ो, किसी से पढ़वाने का हुक्म नहीं है, नमाज पढ़ने का हुक्म है। इसमें नियाबत जायज नहीं है। हत्ता कि अगर कोई इंसान मर भी जाए और उसके जिम्मे पर नमाजें हैं जिसको उसने अदा नहीं किया है, उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उसके हिस्से की नमाज नहीं अदा की जाएगी, सदका अदा किया जाएगा। एक एक नमाज का सदका अदा किया जाएगा, नमाज नहीं उसके बदले पढ़ी जाएगी। ये इबादत माली
बदनी में है, लेकिन इबादत माली का यह हिस्सा है कि उसमें किसी के तरफ से किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास, आप पर जकात वाजिब है, लेकिन मैंने इनसे कह दिया हजरत से अपने कि हजरत मेरे हिस्से से जकात अदा कर दीजिए, हजरत ने अदा कर दिया जकात अदा, ये कौन सी इबादत है? जकात अदा करना भी इबादत है। जहां पर अकीमुस सलाम फरमाया रब ने, वहां तो जकात भी फरमाया, तो जकात भी इबादत है, लेकिन जकात ये माली इबादत है, तो इसको इसमें नियाबत जायज है, इसको दूसरे लोग अदा कर सकते हैं कि हजरत ने अगर मेरी जकात दे दी तो जकात अदा हो गई। इसी तरह एक इबादत होती है माली और बदनी, यानी दोनों से मुरक्कब होती है, वो है हज। क्या है वो? हज, कि उसमें जिस्म की ताकतें भी सर्फ होती हैं, तवाफ करना रहता है, सफा मरवा की दौड़ है, मीना जाना है और कंकर मारना है और मैदान अरफात जाना है, पैदल जाना है, सब कुछ उसमें करना है, जितने भी अरकान है वो अदा करना है, साथ साथ पैसे भी खर्च करना है। खर्च करना होता कि नहीं होता भाई? आपको जाना तो क्या होगा, कम से कम एक आदमी का 2.5 लाख 3 लाख खर्च आता है, माल भी खर्च हो रहा है, लेकिन बदन से भी इबादत अदा हो रही है। ऐसी इबादत में भी उलमा फरमाते हैं कि अगर वो बीमार हो जाए तो हज बदल करवा सकता है, मर जाए और उस पर हज वाजिब हो गया था तो कोई दूसरा उसके बदले अदा कर सकता। तो जो इबादत माली और बदनी दोनों से मुरक्कब है उसमें नियाबत जायज है, और जो सिर्फ माली इबादत है उसमें नियाबत जायज है, लेकिन बदनी इबादत जैसे नमाज उसमें जायज नहीं। और इन दोनों का सवाब, इन दोनों का सवाब किसी को भी बख्शा जा सकता है, और नमाजों का सवाब भी किसी को बख्शा जा सकता है। तो इस प्रोग्राम में जो खर्च हो रहा है, उलमा आए हैं, तशरीफ लाए हैं, इन पर जो खर्च हो रहा है, इन पर जो खाना खिलाया जा रहा है और जो कुछ इसमें खर्च होगा, इन तमाम चीजों का सवाब, और बाद में ये कि यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा, और अव्वलन तो कुरान मजीद का जिक्र हुआ है, इसका भी सवाब उस बच्चे को, उस मरहूम को बख्शा जाए, और ये सब पहुंचता है। भाई ना पहुंचे तो कैसे इसको? तो इस जलसे को रचाना बसाना मकसद सिर्फ एक है कि उस बच्चे के नाम एसाले सवाब। लेकिन एसाले सवाब तो उसको पहुंचेगा ही, लेकिन आप क्यों आए? भाई आप क्यों आए हैं? कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए तो आए हैं कि साहब बच्चा लेके चला जाए? बच्चा तो वैसे गालिबन अभी हद बुलोगत को भी नहीं पहुंचा था, गुनाहों से भी आलूदा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बख्शा जा रहा है, उसकी किस्मत के तो चार चांद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकून, तुम जहां कहीं रहो, ऐनमा तकून, तुम जहां कहीं रहो, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पा लेगी, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पा लेगी, वला कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर जो तुम मजबूत किले में बंद, मजबूत किला बना लो जहां एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता, ऐसी कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन रब का फरमान है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वला कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। और ये मत समझना कि मौत सिर्फ बुजुर्गों को आएगी, वो बुजुर्ग था वो बच्चा, जवानी तक भी नहीं पहुंचा है, जवानी की दहलीज पे कदम नहीं रखा है, लड़कपन की हालत है, लेकिन मौत ने नहीं छोड़ा। आज हम और आप गफलत में पड़े हुए हैं कि बुढ़ापे तक पहुंचना है, और बुढ़ापे पे मौत आएगी,
अभी इबादत की जरूरत नहीं है, अभी नमाजों की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा पढ़ लिया जाएगा। अरे कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें पढ़ लिया जाएगा? जब से तुम शरा के मुकल्लफ हो गए हो तब से तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है कि इसमें कर लिया जाए, रब की इबादत कर ली जाए, रब की रियासत कर ली जाए, कोई दूसरा वक्त नहीं आने वाला। अरे जिनको बुढ़ापा आता है, ये बुढ़ापा भी अल्लाह की नियमत से है। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतनी मोहलत दी है कि अपनी जवानी से ले बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसको इतना वक्त दिया है कि किसी भी वक्त में वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, अपने रब को राजी कर ले, ताकि इस दुनिया से जब जाए तो इस दुनिया वाले उसको नेक नामी से याद करें, उसको बुरे नाम से याद ना करें। ये जब दुनिया से इंसान जाता है और लोग उसकी अच्छाइयां बयान करते हैं तो रब की रहमत जोश में आती है और उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी का जिक्र फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसे नाम कमाए। नाम तो कमाने के बहुत सारे तरीके आजकल राइज हैं, लेकिन वो नाम पैदा करो कि लोग तुम्हें दुनिया में भी याद रखे और जब तुम कब्र में चले जाओ तो कब्र जाने तक के तुम्हारा जिक्र करे। सुभान अल्लाह। बेशक युद्रिबकुम मौत, तो मौत तुम्हें पालेगी, तुम कहीं भी रहो मजबूत किले में रहो, मौत छोड़ने वाली नहीं है। इसी को अल्लामा रूमी मसनवी शरीफ में जिक्र करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तस्लीम की बारगाह में एक बंदा घबराते हुए आया और अर्ज की, हुजूर मुझे हिंदुस्तान भेज दीजिए। मशहूर वाकया है। अर्ज करता हुजूर मुझे हिंदुस्तान भेज दीजिए। फरमाया क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? फरमाया नहीं, ये मलकुल मौत है जो मुझे घूर रहे हैं और मैं उससे खौफ कर रहा हूं। हस्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम तस्लीम ने हवा को हुक्म दिया कि इन्हें हिंदुस्तान छोड़ा। हवा उनको हिंदुस्तान लेकर आ गई और जैसे हिंदुस्तान पहुंचे मलकुल मौत वहां भी पहुंच गए और वो तब से कर लिया। तो कहीं किसी के भागने से यह मौत छोड़ने वाली नहीं है कि चलो गौर में मलकुल मौत आ गए मुझे लेने के लिए तो गौर छोड़ के सखौता भाग। सखौता तुम बाद में पहुंचोगे, मलकुल मौत पहले है, तो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। सेकेंड मिनट फिक्स है। मौत से भागना यह आपको छोड़ेगा नहीं कि मौत से भाग कर जान बचा ली जाए। अगर भाग कर जान बचा ली जाती तो बहुत सारे बच जाते। बेशक। और हजरत हिस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया भी जिक्र करते हैं। इसी अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने तफसीर रूहुल बयान में को नकल फरमाया, हजरत हिस्कील बनी इसराइल के पैगंबर हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम के तीसरे खलीफा। पहले खलीफा योशा बिन नून अलैहिस्सलाम तस्लीम है और दूसरे खलीफा कबाबिब बिन हन्ना अलैहिस्सलाम तस्लीम है और तीसरे खलीफा हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम तस्लीम। तो इनके खिलाफत के जमाने में हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम तस्लीम का दौर है। बनी इसराइल के आप नबी हैं और आपकी कौम पर ताऊन की बीमारी मुसलत थी। कौन सी बीमारी? ताऊन की। जैसा आज कोरोना चल रहा है ना, जैसे कोरोना चल रहा है ऐसे ताऊन की बीमारी चली थी। ताऊन की।
तो उस ताऊन की बीमारी के डर से हस्ते हिस्कील अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौम गालिबन 70,000 उस बस्ती से निकलकर जंगल में चले गए। कहां चले गए? जंगल में चले गए। कहा कि अगर इस बस्ती में रहेंगे तो इस बस्ती पर तो ताऊन की बीमारी भेजी गई है और उस ताऊन में कोई बचता नहीं, सब मर जाते हैं। और जो मर जाते हैं तो ये मौत के खौफ से, मौत के डर से जंगल में चले गए। 70,000 लोग अपनी बस्ती को छोड़ दिए, जंगल में चले गए और वहां बस गए। अल्लाह तबारक व तआला को इनकी ये हरकत नापसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब के एक फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ इन बस जंगल में जो बस गए हैं इनकी तरफ। वो अजाब का फरिश्ता उस बस्ती में, उस जंगल में आता है और पहाड़ की खोह में जाकर किनारे पर बुलंद और डरावनी आवाज में चीखते हैं, मूतू अरबी में मर जाओ। इतना कहना था कि 70,000 लोग उस आवाज के खौफ से, उस आवाज के डर से, उस आवाज की ताब ना ला सके और उसी वक्त सब के सब मर गए। सब के सब एक ही वक्त में मर गए। और किस डर से निकले थे वहां से? मौत के खौफ से, मौत के खौफ से भागे थे, लेकिन मौत ने नहीं छोड़ा, मौत छोड़ने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब के फरिश्ते से, आयाब के फरिश्ते से फरमाया, जाओ तो मौत दो। अजाब का फरिश्ता आया और अर्ज किया, मौत तो मर जाओ। सब मर गए। जब सब मर गए, आसपास के लोग आए, जब इनकी लाशें सड़ गई और सड़ गए, जब बदबू आने लगी तो लोगों को तलाश शुरू हुई कि बदबू कहां से आ रही है। जंगल पहुंचे, देखा कि 70,000 लोग हैं, उनकी लाशें बेगौर कफन पड़ी हुई हैं और उनकी लाशों से बदबू आ रही है। लोगों ने इतना रहम किया कि वो कहां तक के उनके गौर कफन का इंतजाम करते, कहां तक के उनको दफनाते। इतना किया उनके साथ में कि हर तरफ से एक मजबूत दीवार उठा दी ताकि इस दीवार के वजह से इन लाशों को कोई दरिंदे ना खा ले, कोई दरिंदे इन लाशों के करीब ना आए। इस वजह से चारों तरफ से दीवार को उठा दी। लेकिन उसके बाद में, उसके बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन उसी खतीरे के पास से, उसी छहर दीवारी के पास से हस्ते हिस्कील अलैहिस्सलातु तस्लीम का गुजर होता है। आप देखते हैं कि यहां से तो बदबू आ रही है, लाशें बेगौर कफन पड़ी हुई हैं। हस्ते हिस्कील अलैहिस्सलातु तस्लीम रब के बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार, ये तो मेरी कौम के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो तेरी हमदो सना बयान करते थे। परवरदिगारा, ये वो लोग हैं जो तेरी तौहीद का ऐलान करते थे। परवरदिगारा, ये वो लोग हैं जो तेरी किबरियाई बयान करते हैं। परवरदिगारा, इन्हें तो जिंदगी अता फरमा। इतनी दुआ करनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आए और परवरदिगार आलम हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलातु तस्लीम से अर्ज करता है कि हिस्कील,
इन मुर्दों से कह दो, इन हड्डियों से कह दो कि वो जमा हो जाएं। हंसते हिस्कील ने हड्डियों को मुखातब करके कहा कि तुम आपस में जमा हो जाओ। हड्डियां एक दूसरे से टकराई और सब जिसके ढांचे में लगी हुई थी मुकम्मल एक ढांचा बन गया, यानी जिस्म का मुकम्मल एक ढांचा बन गया, जिसकी हड्डियां जहां पर जैसे थी वैसे जुड़ गई। उसके बाद में रब के बारगाह में अर्ज गुजार हुए, परवरदिगार अब क्या करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इसकील अब कह दो कि ये हड्डियां गोश्त पहन ले। हस्ते हिस्कील अलैहि सलातु व तस्लीम ने इतना कहा कि हड्डियों में गोश्त और पोस्त आ गए। और जब गोश्त और पोस्त आ गए तो रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, परवरदिगार अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हिस्कील अब इस मुजस्मे से कह दो कि अब अपनी अपनी सूरत में आ जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें जान डाल दिया, 70 के 70 हजार लोग फिर से जिंदा। एक पैगंबर की दुआ से, एक नबी की दुआ से। आज जो लोग कहते हैं कि नबी माजल्ला कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं है, बहुत शर्म आती है सब लफ्ज कहने में। अल्लाह ताला ऐसा से महफूज रखे। आमीन। हमारे जो मुकर्रर खुसूसी हैं वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, और उनका आना मतलब ये कि हमारा कुर्सी से उठ जाना था, लेकिन फिर भी इस वाकये को ख़त्म करने लग गया, इजाज़त ले लिए। तो अब मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।